डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वेक्टर टॉपिक में डॉट प्रोडक्ट पर क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था, पूरा डॉट प्रोडक्ट फिनिश करा दिया था और डॉट प्रोडक्ट पर खूब ढेर सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया था। डॉट प्रोडक्ट पे आज कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। डॉट प्रोडक्ट ए टू जेड आज क्वेश्चंस फिनिश हो जाएंगे और डॉट प्रोडक्ट पे होमवर्क भी आज दिया जाएगा। वो सारे क्वेश्चन जो होमवर्क बताएंगे वो सब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो दिक्कत होगा उसको मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम इसी पे सॉल्व करा देंगे। उसके बाद से पढ़ना रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट लेवल से हम लोग अभी फर्स्ट लेवल का जो 4 नंबर पेज है इससे 81 नंबर क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ फर्स्ट लेवल तो अलग वैरायटी के सब क्वेश्चन हैं। देख रहे, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ये दोनों क्या हैं डियर? यूनिट वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन What is the angle? What is the angle between vector A and vector B? A और B के बीच क्या एंगल है? आंसर दिया है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, देख रहे हो। थोड़े अलग वैरायटी के सब क्वेश्चंस हैं लेकिन डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं और एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। A and B are unit vectors such that unit vectors, यहां थोड़ा लिखने में mistake हो गया है, फिर से लिख दे रहे हैं, such that vector A plus 2B, देखो vector A plus 2B and 5A minus 4B are perpendicular to each other, then what is the angle between A and B? थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई यार, सही कर लेना। देखो ये और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो A और B का बीच का एंगल ये बतलाना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का फुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहां पर देखो नाम ले लिया है क्या कि परपेंडिकुलर हैं ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या हैं? परपेंडिकुलर, तब जाकर के ए और बी के बीच एंगल बताना है। तो कुछ स्टूडेंट क्या करेगा कि भाई परपेंडिकुलर दिया है तो 90 डिग्री, तो ए और बी के बीच एंगल कर देगा 90 पे टिक लगा देगा, जबकि ऐसा नहीं है। ए और बी के बीच एंगल पूछ रहा है, ये जो 90 डिग्री कह रहे हैं इसके इसके बीच एंगल दिए हैं, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्वेश्चन में स्पष्ट दे रहा है कि ए वेक्टर प्लस टू बी वेक्टर, ए प्लस टू बी परपेंडिकुलर टू 5A माइनस
फोर बी, ये परपेंडिकुलर हैं, तो डीएल जब परपेंडिकुलर हैं तो इनका क्या जीरो कर दें, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट ए प्लस टू बी डॉट फाइव ए माइनस फोर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। बोलो, जब परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब देखो, जब डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो यह आ जाएगा इसका इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट फाइव ए डॉट ए, फाइव ए डॉट ए, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट माइनस फोर ए डॉट बी, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट टू इंटू फाइव टेन ए डॉट बी, चाहे बी डॉट ए कहो चाहे ए डॉट बी कहो, माइनस एट बी डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चूंकि आपस में ये और ये परपेंडिकुलर थे इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब आओ सॉल्व कर लो इसको। देखो ए डॉट ए, ए डॉट ए इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए डॉट ए इक्वल टू ए इंटू कास जीरो, कास जीरो का वैल्यू वन, इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आ गया देखो फाइव ए स्क्वायर माइनस एट बी स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व कर लो तो प्लस सिक्स ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। और यहां से देखो ए और बी स्पष्ट लिख रहा है यूनिट वेक्टर्स हैं, तो जो ए का मैग्नीट्यूड होगा ए, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू वन होगा, बी का न्यूमेरिकल वैल्यू बी, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू वन होगा। बताओ क्यों, क्योंकि स्पष्ट लिख रहा है कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। तो देखो इसका वैल्यू वन हो जाएगा तो बचेगा फाइव, इसका वैल्यू वन तो माइनस एट, इसको तो ऐसा लिख नहीं सकते कि ऐसा पता वन लिख दो, अरे डॉट प्रोडक्ट है ये, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया माइनस थ्री प्लस सिक्स ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, सिक्स ए डॉट बी इज इक्वल टू थ्री, तो यहां से ए डॉट बी सिक्स इधर आ गया, थ्री अपॉन सिक्स इज वन बाई टू। अब देखो ए डॉट बी से हम लोग जो कास थीटा आएगा वो थीटा दोनों के बीच का एंगल होगा, तो ए डॉट बी को हम लोग क्या कहेंगे, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। अब सोचो ये थीटा क्या है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, यही फाइंड करना है। अच्छा ए का न्यूमेरिकल वैल्यू वन, बी का न्यूमेरिकल वैल्यू वन, क्यों, क्योंकि ये कौन से वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर, तो ये भी वन हो गया ये भी वन हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू बचा कितना, वन बाई टू, ऐसा कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर, कॉस 30 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है और कॉस 60 का वैल्यू वन बाई टू होता है। तो देखो कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू, कॉस 60, तो इसलिए जो थीटा आया वो 60 डिग्री आ गया, जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये आंसर आएगा। डॉट प्रोडक्ट का देख रहे हो, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है ये सब, पिछले लेक्चर में भी हमने पूरे लेक्चर डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन कराया था, आज भी क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस। कह रहा है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो जब परपेंडिकुलर हैं देखो तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमने जीरो कर दिया। देखो डॉट प्रोडक्ट इस तरह से हमने फाइंड किया, इसका वैल्यू वन लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर इसका वन दिया है, यूनिट वेक्टर दिया है, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल ए और बी का मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा।
और जैसे ही ए डॉट बी आया तो ए डॉट बी से ही तो इनके बीच हम लोग एंगल निकाल पाएंगे, क्योंकि ए डॉट बी में जो कॉस थीटा आता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। कंप्लीट हो गया। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करने चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, थोड़ा सा लिखने मिस्टेक हो गया तो उसको हमने सही भी कर दिया। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख भी दे रहे हैं, तो असाइनमेंट से क्वेश्चन देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होमवर्क देंगे उसको तुम देखना, बाकी हम तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको नोट करके अपना सॉल्व कर लो। फर्स्ट लेवल से ही क्वेश्चन नंबर 82, एट्टी टू नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। इसमें भी देखो लिख रहा है, इफ ए वन वैक्टर एंड ए टू वैक्टर आर यूनिट वैक्टर्स ए वन और ए टू यूनिट वैक्टर हैं, तो ए वन और ए टू का मैग्नीट्यूड वन आएगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन प्लस ए टू इजिकल टू रूट ओवर थ्री, देन फाइंड the value of a1 minus a2 dot product to a1 plus a2। क्वेश्चन में यहाँ लिख दिया, देख रहे हो, इफ ए वन एंड ए टू आर यूनिट वेक्टर्स, देखो ए वन ए टू यूनिट वेक्टर हैं, तो ये कन्फर्म हो गया कि जो ए वन का मैग्नीट्यूड होगा ये ए वन होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू वन होगा, ए टू का मैग्नीट्यूड ए टू होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू वन होगा। ऐसा क्यों डियर? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर लिख दिया और फिर ये कंडीशन दे दिया, तो कह रहे इसका वैल्यू बताओ, तो ये वैल्यू है 1.502। तो सॉल्व करो अपने मन से, एक बार अपने मन से सॉल्व कर लो, फिर हम सॉल्व कराते हैं, पहले आंसर देख लो कौन सा सही है। अपने मन से एक बार ट्राई कर लो, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 82 है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, ट्राई कर लिए, वीडियो रोक करके ट्राई कर लो, फिर आंसर मिला लो, फिर हम सॉल्व करने चल रहे हैं, फिर देखो कौन सा सही। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान देंगे कि ये वैल्यू वन रखना है। देखो इसके हेल्प से पहले इनके बीच का एंगल फाइंड कर लें, ए वन और ए टू के बीच का एंगल फाइंड कर लें, तो जब ए वन ए टू के बीच का एंगल फाइंड कर लेंगे तो जब इसका देखो डॉट प्रोडक्ट यहाँ फाइंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में ए वन ए टू के बीच के एंगल की आवश्यकता पड़ेगा यहाँ पर, तो वो वैल्यू देखो यहां से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए वन वैक्टर प्लस
ए टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड रूट ओवर थ्री। तो देखो ये दो वेक्टर्स का एडिशन का मैग्नीट्यूड है, तो एडिशन का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर थ्री। स्क्वायर कर दो, रूट हट जाए, ए वन का वैल्यू वन रख दो, ए टू का वैल्यू वन रख दो यहां, तो देखो वन प्लस वन प्लस टू वन इंटू वन कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री, रूट हटा दिया दोनों तरफ से, ये देखो आ गया टू प्लस टू कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री। कुछ स्टूडेंट यहां मिस्टेक ये करता है कि टू प्लस टू इसको फोर लिख देता है, ऐसा नहीं होगा, टू कॉमन होगा, तो टू कॉमन होगा तो बचेगा वन प्लस कॉस थीटा इजकल टू थ्री, वन प्लस कॉस थीटा इजकल टू थ्री बाई टू, कॉस थीटा इजकल टू थ्री बाई टू माइनस वन इजकल टू वन बाई टू इक्वल टू का 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू आ गया कितने डिग्री, का 60 डिग्री। देखो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया ए वन और ए टू के बीच का एंगल इसके हेल्प से। अब ये फाइंड कर लिया जाए ये वैल्यू जो पूछ रहा है, इसलिए ए वन माइनस ए टू डॉट प्रोडक्ट टू ए वन प्लस ए टू, जो इसका वैल्यू पूछ रहा है इतने का, तो देखो ए वन डॉट ए वन तो टू ए वन डॉट ए वन प्लस ए वन डॉट ए टू माइनस टू ए वन डॉट ए टू। देखो ए टू डॉट ए वन कहो चाहे ए वन डॉट ए टू कहो, तो कॉमटेटिव लॉ को डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, फिर माइनस ए टू डॉट ए टू यह जाएगा टू, देखो ए वन डॉट ए वन इज ए वन स्क्वायर और ये जब एक में करोगे तो आ जाएगा माइनस ए वन डॉट ए टू, और यहाँ से देखो माइनस ए टू स्क्वायर, ए वन का वैल्यू वन है, शुरू में दिया था ए वन का वैल्यू वन, ए टू का वैल्यू वन, यूनिट वेक्टर होने के ये वन हो गया तो बचा टू माइनस ए वन डॉट ए टू माइनस वन, टू माइनस वन इज वन। अब देखो ये बचा डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा ए वन ए टू कॉस थीटा, देखो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया ए बी कॉस थीटा वाला फॉर्मूला चलेगा, तो आ गया वन ए वन ए टू का वैल्यू वन, अब कॉस थीटा इज कॉस 60, देखो कॉस थीटा का वैल्यू वन अपॉन टू है, तो आ गया वन माइनस वन अपान टू इजकल टू वन अपान टू, पॉइंट फाइव ये आंसर आया समझ में।
डॉट प्रोडक्ट के कुछ अलग वैरायटी के सब क्वेश्चंस हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, किस तरह से डॉट प्रोडक्ट यहाँ अप्लाई करना पड़ रहा है, यूनिट वेक्टर नाम ले रहा है तो उसका भी ध्यान देना पड़ रहा है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हमने पिछले टर्म पे भी क्वेश्चन कराया था, आज भी क्वेश्चन करा रहे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन सेकंड लेवल में है जो आईआईटी मेंस 2019 में पूछा गया है। ठीक है, सेकंड लेवल में वन एंड 20 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल आईआईटी मेंस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, कुछ इसी टाइप का है क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। इफ ए वन वैक्टर एंड ए टू वैक्टर आर सच दैट ए वन ए टू वैक्टर इस तरह से हैं कि ए वन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन में ए वन और ए टू का मैग्नीट्यूड 3 और 5 दिया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ए वन ए टू का मैग्नीट्यूड 1 था, यूनिट वेक्टर था, इसमें बदल दिया, इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को 3 रखना है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों को 5 रखना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू 5। देखो ये भी दिया है, जैसे उसमें दिया था रूट 3 उसे ये भी दिया है, तो यहां से क्या होगा ए वन ए टू के बीच एंगल आ जाएगा। तो फाइंड, अब देखो फाइंड क्या करा रहा है, फाइंड 2A1 प्लस 3A2 डॉट 2A1 माइनस 2A2। देखो ये फाइंड करा रहा है, देखो दोनों का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करा रहा है। एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, क्योंकि ए और ए वन ए टू वहाँ पर क्या था, यूनिट वेक्टर का था, और यहाँ ए वन का वैल्यू 3 रखना है, ए टू का वैल्यू 5 रखना है। तो 237 अपॉन 2 माइनस 123 माइनस 337 अपॉन 2 337 अपॉन 2 ये ऑप्शन दिया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को बेटा आप लोगों को तो अपने मन से सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि एकदम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने कराया कि नहीं कराया है। देखो ए वन का मैग्नीट्यूड 3 रख देना है, ए टू का मैग्नीट्यूड 5 रख देना है, इसका एडिशन का फॉर्मूला लगा करके कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेना है, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर देना है। आईआईटी मेंस 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है।
तो सॉल्यूशन में क्या कहा जाएगा? गिवन A1 का मैग्नीट्यूड 3, यानी A1 इज इक्वल टू 3 और A2 का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, देखो दिया है, इसको ऐसे लिख सकते हो। और दोनों वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड ये दिया है 5, देखो तो यहां अप्लाई कर दो रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा। दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड पढ़े हो, सिंपल फॉर्मूला, स्क्वायर कर दो और A1 का वैल्यू रखो 3 का स्क्वायर 9, A2 का स्क्वायर ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2, A1 का वैल्यू 3, A2 का वैल्यू 5, cos थीटा जो कि स्क्वायर किए हो इसलिए इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और ये देख रहे हो 6 × 5 = 30, cos थीटा इज इक्वल टू -9, cos थीटा इज इक्वल टू -9/30, 3 से कैंसिल कर दो, -3/10, ये देखो cos थीटा का वैल्यू पता चल गया और जब ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा की आवश्यकता पड़ेगा, है ना, एकदम वैसा ही क्वेश्चन, बस वहाँ ये था कि A1 A2 का मैग्नीट्यूड 1 था जो कि यूनिट वेक्टर था इसलिए थोड़ा क्वेश्चन आसान था। अब इसलिए ये वाला वैल्यू जो फाइंड करना है उसको फाइंड करें, 2A1 प्लस 3A2 कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट 2A1 माइनस 2A2 ये हम लोग को फाइंड करना है। तो आओ फाइंड करो, देखो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट तो 2 × 2 = 4, A1 डॉट A1 A1 स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 2 × 2 तो ये -4, देखो A1 डॉट A2, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट प्लस 6, A1 डॉट A2 फिर इसका इसके साथ -6, A2 डॉट A2 = A2 स्क्वायर, 4, और देखो A1 का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर 9, और इन दोनों को एक में मिला लो तो आ जाएगा प्लस 2A1 डॉट A2 - 6 A2 का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 36 माइनस 6 × 25 प्लस, देखो अब इसका डॉट प्रोडक्ट 2A1 A2 cos थीटा,
देखो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा ए टू पहले से ए वन ए टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू यहां से हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो आ गया 36 माइनस 152, ए वन का वैल्यू 3, ए टू का वैल्यू 5, कॉस थीटा का वैल्यू -3/10, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट, 36 -150 माइनस ये सब कैंसिल आउट हो गया, देखो 10 से 10 -9 बच गया, तो 36 माइनस 159 माइनस करके देख लो ये आएगा -123, ये आंसर आ गया, देख रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने एक साल करा दिया, उसके बाद से ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईटी मेंस 2018 में आया था, इसको भी हमने साल्व करा दिया। कुछ अलग वैरायटी के ये सब क्या हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आंसर आएगा, तो ये आज हमने एक वैरायटी का कुछ अलग वैरायटी से रिलेटेड क्वेश्चन कराया। इन सब क्वेश्चंस को जैसे एक बार कॉपी में नोट कर लो, फिर रफ निकाल के अपने मन से इन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रैक्टिस होगा। अब हम थोड़ा असाइनमेंट से क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग जरूर ट्राई करना, सॉल्व करना, डॉट प्रोडक्ट की प्रैक्टिस होगी, बेसिक क्वेश्चंस हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेवल, देखो लेवल फर्स्ट, लेवल फर्स्ट में यह असाइनमेंट निकालना और देखना, यहां लिखा है क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस 1 से लेके 17 तक, 17 क्वेश्चन ये बेटा डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस हैं, देख लो क्वेश्चंस ऑन डॉट प्रोडक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसको आप लोग जरूर ट्राई करना। 17 क्वेश्चन हम होमवर्क दे दिए हैं, फर्स्ट लेवल का फर्स्ट नंबर पेज पर डॉट प्रोडक्ट का इकट्ठा क्वेश्चन दिया है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बाकी हमने बेसिक से टच करते हुए हर लेवल का डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन कराया, एकदम सेटेड क्वेश्चन कराया। ये 17 क्वेश्चन आप लोग रफ पर कॉपी निकालिएगा और सब सॉल्व कर लीजिएगा, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको दिक्कत करे, इसमें थोड़ा सा आंसर मिलाइएगा तो थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक है, उसके लिए परेशान नहीं हो जाएगा, अपने मन से आप सॉल्व कर लीजिएगा, एक आध क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक होगा तो अपने हिसाब से आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन दिक्कत करेगा उसको मैसेज करके पुलिस पूछ लीजिएगा, हम इसी पे बता देंगे कंप्लीट। और अगले टर्न पर चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक क्या चल रहा था डॉट प्रोडक्ट, अब चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ होता है डॉट प्रोडक्ट से, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी उसमें देखना पड़ता है राइट हैंड थंब रूल से। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी उसे कहा जाता है, इसे क्या कहते थे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसे कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो होमवर्क आप लोग कर लेना, अगले टर्न पर क्रॉस प्रोडक्ट्स पढ़ाया जाएगा, ओके।